गया होगा, आंखों से अश्रु झर रहे हों और भाव में पागलों की तरह कोई नाचे, तो ऐसे ही भक्ति में यही होता है कि जब व्यक्ति एकदम सरल सहज बालक की तरह हो जाता है, अपना रुतवा अपनी प्रतिष्ठा पद आयु वय से ऊपर उठ जाता है। भक्ति का मतलब क्या है? हर कोई नहीं नाच सकता, यहाँ इतनी माताएं इतने भाई बैठे हैं, हर कोई नाचता है? नहीं नाच सकते। अभी आप संसार से जुड़े हैं इसलिए नहीं नाचेंगे, लेकिन अगर भक्ति थिरक गई, हृदय में उत्पन्न हो गई, तो इतने समाज के बाद भी आपको पूरे उसमें एक व्यक्ति नहीं दिखेगा, केवल हरि दिखेंगे और आप दिखेंगे, और ये भाव आएगा कि आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हरि देख रहे हैं आपको नाचता हुआ। और भक्ति का एक मुख्य अंग नृत्य करना भी है। हर कोई थोड़ा ना पैर उठा सकता है, हमें तो डर संकोच होता है, हम प्रतिष्ठित व्यक्ति हम नाच लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लाज है, परंपरा, कुल मर्याद ये बंधी हुई है। लेकिन भक्ति ये नहीं देखती। मीरा नाच जाती थी, नरसी नाच जाते थे, उद्धव नाच जाते थे, अर्जुन नाच उठता था, सुखदेव मुनि नाच उठते हैं, हरदास जी महाराज जहां देखे तहां ब्रज की में लोट पोट हो जाते हैं, जिन्होंने बिहारी जी को प्राकट्य किया। तो भक्ति कब आती है जीवन में? प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, भाव आए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भगवान के बिना कृपा के प्रभु का परिचय नहीं मिलता। लेकिन जब भगवान के प्रति आप विश्वास प्रथम बार करते हैं, मान लेते हैं कि वही आपके जगत पिता हैं, वही आपके सर्वस्व हैं, तो धीरे धीरे ठाकुर जी कृपा करके प्रेम पैदा कर देते हैं। उनकी कृपा से तब मिलेगा, लेकिन पात्रता तो बनाए। अभी आपने पात्र को मांजा नहीं, शुरुआत भी नहीं करी धोने की, पानी तक डालने की कोशिश नहीं की, और आप चाहे ठाकुर जी एकदम से, कई लोग कहते हैं ना हम तो ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, ऐसे लोगों के संग से दूर रहना चाहिए। हम ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, है कहां ईश्वर दिखे, तुम पात्र हो उसके, पहले उस योग्य तो बनी, क्यों नहीं दिखा? अंबरीश आदि, प्रहलाद आदि, इतने दिव्य दिव्य संतों को रात दिन दिखता है, आप उसके योग्य बने, आपको भी दिखेंगे। जैसे एक लैब में जाकर के बड़े बड़े रसायन को इधर से उधर मिला करके एक नई चीज का आविष्कार किया जाता है, उसी प्रकार जब आप वहां पर लगेंगे नहीं और बिना कहे कैसे बोल सकते हैं, ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। बुद्धि से मानना पड़ेगा, मन से मानना पड़ेगा। एक बार मान लीजिए ठाकुर जी कृपा करा के जना देंगे। जैसे बताइए, बुद्धि से मानना ही तो पड़ता है ना कि ये मेरा है, उससे प्रेम हो जाता है कि नहीं हो जाता?